शिवा, जैसे तुम वेदास सिटी के हीरो हो, वैसे ही मैं अपने गांव का हीरो हूँ। तुम लोगों को पता है, एक बार मेरे गांव में डाकू आ गए। लोग बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, हर तरफ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, और मैं उन ब्लास्ट के बीच से स्लो मोशन में भागता हुआ डाकुओं के पास पहुंचा। स्लो मोशन में क्यों? स्लो मोशन में एंट्री अच्छी लगती है। फिर क्या हुआ, मैंने डाकुओं को कुंफू कराटे, मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो के पंचेस मार मार के गिरा दिए। और फिर तुम बिस्तर से गिर गए और नींद खुल गई। आदी, लगता है डाकू यहाँ आ गए। ये डाकू नहीं, कुछ गांव वाले पहाड़ के पास भागते हुए दिख रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। भाइयों, मैंने रात को यहाँ पर आसमान से एक उड़न तस्तरी उतरते हुए देखी, उसमें से कुछ एलियंस भी उतरे थे। देखो, मैं हमेशा कहता था कि एलियंस होते हैं, पर तुम सबने मेरी बात कभी नहीं मानी। आदि, एक मिनट, अंकल उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरे तो उनके देखते होश उड़ गए और मैं यहाँ से भाग गया। अंकल, आप कहाँ रहते हो? मैं वो जो दूर झोपड़े दिख रहे हैं ना, वहाँ रहता हूँ। रात के बाद तो मैं इतना डर गया था कि बड़ी हिम्मत करके अभी आप सबको यहाँ लेकर आया हूँ। ये क्या हो रहा है? लगता है वो पापा का। जल्दी चलो यहाँ से। मैंने तो ये झोपड़ी पहले नहीं देखी है यहाँ पर, क्या तुम लोगों ने देखी है? जो भी है, चलो लड्डू सिंह जी को फोन करते हैं। वेदास सिटी पर एलियंस का साया छा चुका है। पुलिस और प्रशासन इस बात से अब तक अनजान है। अब वेदास सिटी का क्या होगा? ये एलियंस कहाँ से आए हैं? उनको क्या चाहिए? कुछ नहीं पता। पेड़ा राम, ये क्या वेदास सिटी में एलियंस? एलियंस को अरेस्ट करने का कोई कानून भी नहीं है। मैं तो अभी अपने ट्रांसफर की अर्जी डालने जा रहा हूँ। वेदास शहर में आतंक का माहौल है। एक उड़न तस्तरी एलियन। यहाँ पर सोने चांदी डायमंड्स की शॉप कहाँ है? वो दुकान उधर है। राम, यहाँ जिंदगी खत्म होने को है और तुम्हें पोल की पड़ी है। हाय, मैंने कहा पोल खत्म हो गया है, नीचे देखिए। शिवा, एलियन मार्केट में घुस आया है। तुमने उस दुकान से जो भी सामान चुराया है वो वापस कर दो। नहीं करूंगा। बच्चे लौट जाओ। बच्चा नहीं कहना एलियन अंकल। शिवा नाम है मेरा। ओके, अभी पता चलेगा। लेजर गन है।
आओ आओ, तुम लोगों को क्या करने भेजा और तुम क्या कर रहे थे? उस लड़के को क्यों छेज कर रहे थे? चोरी करने भेजा था, चोरी, लड़ने नहीं। बस बस, आपको कैसे पता चला कि हम उस लड़के को चेज कर रहे थे? मैं काली कार में तुम लोगों पे नजर रखे था ताकि तुम लोग किसी मुसीबत में फंसो तो मैं मदद के लिए आ सकूं। नागराज बॉस, फिर तो आपने देखा होगा, वो लड़का फाइट करने लग गया तो हमें भी गुस्सा आ गया। गुस्सा? आहा, क्रोध मनुष्य का दुश्मन है, क्रोध मनुष्य का दुश्मन है। तुम्हें गुस्सा करने के लिए नहीं रखा, चोरी करने के लिए रखा है। क्रोध मनुष्य का दुश्मन है, क्रोध मनुष्य का दुश्मन है। गुस्सा बने बनाए काम बिगाड़ देता है, समझे? सॉरी बॉस, गलती हो गई। याद रखो, सिर्फ चोरियां करो, लड़ाई झगड़े में कहीं तुम पकड़ में आ गए तो ये नकली स्पेस शिप टूट गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। क्रोध क्रोध मनुष्य का दुश्मन है, याद रखो। चैन से रहना है तो होश में आइए। वेदास शहर में एलियंस का हमला हो गया है, वो लूटपाट मचा रहे हैं। ये देखिए, एलियंस का एक नया वीडियो सामने आया है जिसे हमारे ही किसी दर्शक ने हम तक पहुंचाया है। किस तरह स्पेसशिप पहाड़ियों गांव से निकलकर अब शहर में भी घुस आया है। लोग अपने घरों से बाहर ना निकले क्योंकि पुलिस तो पहले ही अता पता लापता हो चुकी है। नाना जी, आपने न्यूज में उस ब्लैक कार को देखा? जहाँ भी स्पेसशिप है वहाँ उसके पीछे ये ब्लैक कार भी दिख रही है और दोनों साथ में गायब भी हो जाते हैं। मुझे तो इन दोनों में कोई कनेक्शन दिखता है। शिवा, तुम टेंशन मत लो, मैं बाहर जाकर ऐसा एलियन भगाओ राग गाऊंगा कि उसके सारे कनेक्शन टूट जाएंगे। अरे अब आप कहाँ चले? सुना है शहर में एलियंस आए हैं, बाहर मत जाओ। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, देखा नहीं टीवी पर एलियंस आए हैं? कहाँ है एलियन? देखिए इस बुजुर्ग आदमी को, कैसे ये एलियन से बेफिक्र होकर सुनसान राहों पर निकल पड़ा है। बहुत हो गई लूटपाट, अभी इनको कान खराब राग सुनाता हूँ। भागा जा, भागा 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 जा, भागा भागा जा। निकल चलो वहां से। ओके बॉस, मेरे कान, भागो यहाँ से, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, भागो। रुक जा, रुक रुक रो, रुक रुक जा जा। नाना जी, आपने तो कमाल कर दिया, आप रोज मेरी दुकान में सुबह से शाम तक बैठा करो। नहीं, मेरी दुकान में, मेरी दुकान में, मेरी दुकान में। नाना जी, आप तो छा गए। देखा तुम सबने, मेरा गाना संकट की घड़ी में हमेशा काम आता है। वो नहीं आएंगे, वो फ्री नहीं है। मैंने कहा ना, जितने भी पैसे दो नहीं आएंगे। ओफो, एक बार में सुनाई नहीं देता, वो नहीं आ सकते।
पूरे शहर के ज्वेलर्स और बैंकर्स नाना जी को बुला रहे हैं। नाना जी पूरा शहर आपको ले जाना चाहता है, आप मेरे साथ चलो, आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है। लड्डू सिंह जी साफ क्यों नहीं बोलते, आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है। ओहो नानी जी, मैं तो नाना जी के भले की बात कर रहा था। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, बाय, सी यू। चलो उस झोपड़ी में चलकर देखते हैं। कोई है? कोई है? लगता है यहाँ कोई नहीं है, अंदर चलकर देखते हैं। इस लालटेन को देखो, इस पर प्राइस टैग अभी भी लगा हुआ है। बल्कि मुझे तो यहाँ की सारी चीजें नहीं लग रही है, जैसे कि ये झोपड़ी अभी कुछ दिन पहले ही बनाई गई हो। लड्डू सिंह जी को यहाँ बुलाना पड़ेगा। हाय, बुलाने की जरूरत नहीं है शिवा, मैं खुद आ गया हूँ। आखिर तुम्हारा प्रोटेक्शन भी तो करना है। लड्डू सिंह जी, ये झोपड़ी अभी नई बनाई हुई है, इसका मतलब वो गांव वाले नकली एलियन से मिले हुए हैं। ये कोई एलियन नहीं बल्कि हमारे जैसे ही ह्यूमन बीइंग्स है। ओहो शिवा, मैं भी तुमको यही बोलने वाला था, हम दोनों एक जैसे ही सोचते हैं, है ना? शिवा अब तो मैं उन लोगों से बड़ी आसानी से निपट लूंगा। सर मैंने एलियंस की रिकॉर्डिंग न्यूज में देखी थी, हर समय स्पेसशिप के पीछे पीछे एक ब्लैक कार चल रही थी। आप उस ब्लैक कार के बारे में पता करिए, मैं स्पेसशिप के बारे में पता करता हूँ। ओके सर, आई मीन शिवा। ओके ये बच्चा जरूरत से ज्यादा होशियार है, ये हमारा राज खोल के रहेगा, हमें इसका कुछ करना होगा। क्रोध मनुष्य का दुश्मन है, क्रोध मनुष्य का दुश्मन है। शांत रहो, शांत रहो। मुझे लगता है इस निशान के नीचे कुछ है। देखो ये साइड में ऐसा लगता है जैसे जमीन खुलती बंद होती है, जैसे कोई डोर है। देवा लड्डू सिंह जी को वापस बुलाओ। नहीं, उसे पता चल गया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा, मैं उसे साफ कर दूंगा। वो मेरा इतना अच्छा बनाया प्लेन खराब नहीं कर सकता। बॉस बॉस, क्रोध मनुष्य का दुश्मन है। अरे कब तक कंट्रोल करूं? चलो खत्म करते हैं इन सबको। क्रोध मनुष्य का दुश्मन है। रेडी स्टेडी गो। शिवा ये डोर खुल रहा है। सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागो। हेलो लड्डू सिंह जी, तू नहीं बचेगा। हेलो अंकल, मे आई कम इन? नो,
You may not come in. Shiva! मुसीबत हार ही नहीं मानता। नक चढ़े एलियन, अब आ गई है, मतलब नकली एलियन। यू आर अंडर अरेस्ट। शिवा थैंक यू वेरी मच, तुमने बड़ी बहादुरी से सबको बचा लिया। थैंक यू। लड्डू सिंह जी, ये सब कैसे हुआ, किसने किया? मैंने अपनी बहादुरी और चालाकी से अपनी अकल का इस्तेमाल करके इस नकली एलियन का पर्दाफाश कर दिया है। सैल्यूट सैल्यूट मी। फोटो फोटो निकालो।